ओम नमो नरसिंहाम, ओम नमो नरसिंहाम, बागेश्वराय नमः, श्री रामाय नमः, हनुमंत लला की जय, श्री राम जी सरकार की जय। भूत प्रेत बाधाओं से जब अति परेशान हो जाएं, और वैसे भी 80% लोग तो परेशान रहते ही हैं, उनको उपाय मिलता नहीं है, मंत्र तंत्र वो सिद्ध कर नहीं पाते क्योंकि घर की समस्याओं में उलझे रहते हैं और मंत्र तंत्र सिद्ध करने का समय नहीं मिलता, या घर की ऐसी स्थिति होती है कि आपके पास समय भी होता है लेकिन वातावरण नहीं होता कि आप मंत्र तंत्र सिद्ध करें और अपने रोगी को स्वस्थ कर लें, अपने घर परिवार से प्रेत बाधा को हटा पाएं। तो जो पूर्णिमा आने वाली है, अभी नवरात्रों के बाद वाली पूर्णिमा, तो इस पूर्णिमा के लिए एक महा उपाय है। यदि इस दिन आप ताबीज बना के रोगी को पहना देते हैं तो प्रेत बाधा से हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएगी और प्रेत बाधा दोबारा कभी भी शरीर को स्पर्श नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब सारे तंत्र मंत्र फैल हो जाते हैं तब तांत्रिक लोग या बुंदेलखंडी तांत्रिक लोग नारसिंह भगवान के मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं, और नारसिंह भगवान के मंत्र इतने प्रबल होते हैं कि चाहे नीच इष्ट हो, नीच प्रेत हो, क्योंकि नीच प्रेतों पर अच्छे इष्टों के मंत्र काम नहीं करते। उसका कारण यही होता है कि वो किसी भी अच्छे इष्ट का यदि आप नीच प्रेत के ऊपर मंत्र चलाएंगे तो वो मंत्र फैल हो जाता है। उसका कारण यही होता है कि कोई भी गंदगी के पीछे नहीं जाना चाहता, चाहे देवता हो चाहे इंसान हो। आप भी सोचिए, आप कभी नाली में घुस के कभी कचरा निकालना पसंद करेंगे? नहीं निकालना पसंद करेंगे। इसी प्रकार इष्टों में भी होता है कि वो कभी गंदगी को छूना पसंद नहीं करते, क्योंकि उस प्रेत को हटाने के लिए उन्हें उसको छूना पड़ेगा, तो इस कारण मंत्र फैल होते रहते हैं और आपको समझ में नहीं आता कि अब करें कि क्या करें, और भगवान को आप दोष देने लगते हैं। यदि आप सही कारण का पता लगा लें, सही इष्ट का पता लगा लें कि हमारे ऊपर कौन से इष्ट का मंत्र काम करेगा, तब तो बढ़िया रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती, मंत्र पढ़ो और बढ़िया स्वस्थ हो जाओ। तो हम आपको बता दें कि जब कोई मंत्र तंत्र काम ना करे, किसी भी इष्ट का मंत्र काम ना करे, तो नारसिंह भगवान के मंत्रों को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि लास्ट कार्ड जो होती है नारसिंह भगवान ही होती है। नारसिंह भगवान के ऐसे मंत्र होते हैं कि आप किसी भी प्रेत पे, किसी भी बाधा पे, किसी भी इष्ट पे चला दें तब भी वो मंत्र काम करता है। तो नारसिंह भगवान के मंत्र के द्वारा एक आपको पूर्णिमा के दिन ताबीज बनानी है, और ताबीज बनाना बहुत आसान है क्योंकि मंत्र सिद्ध करने में तो बहुत समय लगता है, सभी लोग नहीं कर पाते हैं, और जब सभी नहीं कर पाते तो बाधाओं से कैसे मुक्त होंगे, क्योंकि कई लोग तो जाप नहीं कर पाते, कई लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते, कई लोग देसी मंत्रों का पाठन नहीं कर पाते, या सामग्री इकट्ठी नहीं हो पाती, तो ऐसे में नहीं हो पाते मंत्र तंत्र सिद्ध। हमने बहुत सारे भक्तों को देखा है, वो मंत्र तंत्र लिख तो लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन जब सिद्ध करने बैठते हैं तो कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, तो ऐसे में मंत्र तंत्र सिद्ध नहीं हो पाते और वो बाधाओं से मुक्ति पा नहीं पाते। तो इस वीडियो में हमने बहुत सोचने के बाद उपाय आपके लिए खोजा है, वैसे हमारे यहाँ पिछले तो उपाय है, हम सभी को यह उपाय बताते हैं और जो भी हमारे पास आता है तो हम उनको बना के भी देते हैं, लेकिन कई लोग वीडियो बहुत दूर से देख रहे होंगे तो उनके पास तो पहुंच नहीं पाएगा, तो आप स्वयं ही घर में इस ताबीज को बनाएं। बनाने की विधि बहुत आसान है। आक, करवीर और पनस, ये बहुत सिद्ध जड़ी होती हैं। आक माने अकौआ, करवीर यानी कनेर, पनस माने कमल होता है। तीनों की जड़ें आपको पूर्णिमा के दिन इकट्ठी कर लेनी है। कोशिश करें कि पूर्णिमा का व्रत रख लें और नारसिंह भगवान, विष्णु भगवान को याद करते रहें, और यदि आप नहीं ढूंढ पाते जड़ें तो पंसारियों के यहाँ आसानी से मिल जाती हैं, कमल की जड़ भी मिल जाएगी। कमल की जड़ नहीं मिलती तो कमल घटा भी चलेगा। कनेर की जड़ आपको आसानी से मिल जाएगी, आक यानी कौआ की जड़ भी मिल जाएगी। आक, करवीर और पनस शास्त्रों में विशेष सर्वसिद्धित और प्रेतनाशक औषधियाँ मानी जाती हैं। इन तीनों की जड़ें आपको इकट्ठी कर लेनी है और एक 10 रुपये का भोजपत्र ला लेना है और 10 रुपये की आपको केसर ला लेनी है। बस इतनी सामग्री आपको ताबीज बनाने के लिए चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। एक नारियल चाहिए, इतना तो आप आसानी से कर ही सकते हैं, नारियल ज़्यादा महंगा नहीं आता। मतलब कुल मिला के आपकी 50 रुपये में पूरे घर के लिए ताबीजें बनके रेडी हो जाएंगे। ताबीज बनाने की विधि बहुत आसान है। पूर्णिमा के दिन आपको ये सामग्री इकट्ठी कर लेनी है सुबह से लेकर शाम तक, और स्नान ध्यान दो के कोशिश करना है कि उस दिन हम व्रत रह लें और दिन भर ओम नमो नरसिंहाम इस तरह का मंत्र लगभग जाप करते रहना है अपने ध्यान में। जब भी ध्यान आए, खाली समय मिले, तो मन में इस मंत्र को आप जाप करते जाइए, ठीक है। और इसके बाद जब पूर्णिमा की शाम हो जाए,
अब ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आपकी ये पूर्णिमा यदि निकल जाती है तो आप अगली पूर्णिमा एक महीने का इंतजार करना पड़ेगा, तो बहुत समय फिर लग जाता है, एक महीने में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो हमको कोशिश ये करना है कि इसी नवरात्रों के बाद वाली पूर्णिमा में इस ताबीज़ को हम बना लें, क्योंकि इस दिन के योग जो होते हैं ताबीज़ बनाने के, तंत्र सिद्धि करने के, बहुत अच्छे योग माने जाते हैं। तो इस पूर्णिमा को ही बना लीजिए तो बहुत अच्छी बात है। अब शाम का समय हो गया, जब चंद्रमा निकल आए, चंद्रमा जब निकल आए, चंद्रमा के दर्शन करने के बाद घर के अंदर आइए और जहाँ भी आपका पूजा स्थल हो वहाँ पर बैठ के इस मंत्र को पढ़ते हुए पानी में 21 बार आप फूंक मारिए और सबसे पहले अपने पूरे घर वालों को इस पानी को पिलाइए। मंत्र थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा, छोटा सा मंत्र है, ओम छौ ह्रीम एम ओम नमः, ओम छौ ह्रीम एम ओम नमः। इतना सा मंत्र है कुल मिला के, मतलब 5 अक्षर का मंत्र है, आसानी से याद हो जाएगा। यदि आप आज ही से रटना शुरू कर दें तो एक दिन में रट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं तो लिख लीजिएगा, हम वैसे डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे इसको, तो आप उससे लिख लीजिएगा। इस नरसिंह भगवान के इस बीज मंत्र को शाम के समय पढ़ के और पानी पिला देना है सबको। तो पानी पिलाने से क्या होगा, जो नकारात्मक शक्तियाँ आपके घर में शरीरों में हैं वो निकल के वहाँ से भाग जाएंगी। अब इसके बाद आपको ताबीज़ बनाने का काम करना है, तो जो भोजपत्र लाए थे वह भगवान नारसिंह भगवान को अर्पण करना है, नारसिंह भगवान को नरियल अर्पण करना है। अपने हिसाब से जो भी आपको पूजा पाठ आती हो वह पूजा पाठ करनी है और इसी मंत्र को 51 बार जाप कर लेना है। इस मंत्र को 51 बार पढ़ने में कम से कम आपको 5 से भी कम मिनट समय लगेगा, क्योंकि एक मिनट में इस मंत्र को आप कम से कम 30-40 बार पढ़ सकते हैं। तो आराम से, भाई आपको पहली बार पढ़ना है तो 5 मिनट मान लीजिए कि समय लग गया, 51 बार पढ़ लीजिए इसको। तो इसी मंत्र को केसर जो लाए थे उसको एक पत्थर पे घिसिए और बढ़िया से उसकी स्याही टाइप की बनाइए जिससे आप लिख सकें, और उसको बढ़िया तीली से या अनार की कलम मिल जाए, अनार की लकड़ी मिल जाए तो उसकी लकड़ी से लिखिए तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। और भोजपत्र पे यही मंत्र लिख देना है, ओम छौ ह्रीम एम ओम नमः, ठीक है। इतना आपको 5 बार लिखना है, उस भोजपत्र के ऊपर लिखना है, और ऐसे जितने भी परिवार में सदस्य हों उससे अलग अलग भोजपत्रों पर यह मंत्र लिख देना है। अब आग करबीर और पनस जो आप लाए थे, अकौआ कनेर और कमल, तो थोड़े थोड़े से टुकड़े एकदम नाम मात्र के इसी भोजपत्र पर वो डाल देने हैं। चाहे तो आप सभी का चूर्ण बना लीजिए और थोड़ा सा एक चुटकी से भी कम चूर्ण इस भोजपत्र के ऊपर लिखने के बाद डाल दीजिए और बढ़िया से उसकी पुड़िया बनाइए एक छोटी सी और एक तांबे की ताबीज़ में भर के और बढ़िया से भगवान को धूप दीप दिखा के, ताबीज को धूप दीप दिखा के, चाहे तो कंडे की आग में घी का हवन लगा लीजिए, उसी में ताबीज को बढ़िया से धूप दिखाइए, नारसिंह भगवान का स्मरण करिए और बस रोगी को पहना दीजिए, स्वयं भी पहन लीजिए, अपने पूरे घर को पहना दीजिए। हमारी ये गारंटी है कि चाहे किसी भी प्रकार का प्रेत बाधा रही क्यों ना हो, वह तत्काल ही भग जाएगी आपके घर से, और दोबारा जब तक ताबीज आपके पास रहेगी कभी भी आपको वो बाधा छू नहीं पाएगी जब तक ताबीज रहेगी। और कभी भविष्य में यह ताबीज खराब हो जाती है आपकी तो बना लीजिएगा दोबारा, क्योंकि इसे दीपावली में बना सकते हैं, हर पूर्णिमा को बना सकते हैं जो महीने में पड़ती है, एकादशी में बना सकते हैं आप इसको, कोई भी सर्वार्थ सिद्धि योग बना सकते हैं। और इमरजेंसी ही लटकी है, आपके पास समय नहीं है, तो गुरुवार के दिन आप इस ताबीज को बना सकते हैं। बस गुरुवार के दिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मंत्र हमने बताया है, ओम छौम ह्रीम एम ओम नमः, इसको आप 108 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बस, और ताबीज बना दीजिएगा। जो भी विधि है विधि सेम है, और बढ़िया नरियल पोरिएगा, भगवान को स्मरण करिएगा, बोलिए नरसिंह भगवान की जय, भूत प्रेत कभी